आज का क्वेश्चन है कि विल क्रिप्टो रिकवर इन 2023। तो क्या क्रिप्टो करेंसी जो है 2023 यानी कि जो करंट ईयर है उसमें रिकवर होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एक डेढ़ साल से बेयर मार्केट है यानी कि जो प्राइस है वो काफी लो पर चल रहा है। तो क्या जो क्रिप्टो करेंसी है वो दोबारा रिकवरी करेगी? तो चलिए आइए थोड़ा सा डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं नेक्स्ट ईयर दैट इज 2024 में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, दैट इज बिटकॉइन हैपनिंग, यानी कि जो कि हर चार साल बाद होता है। और हमारे डेटा से हमें ये भी पता चलता है कि अब तक अगर हम एनालाइज करें कि हमेशा जब जब बिटकॉइन हैपनिंग हुई है उसके प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन हुई है और हमेशा पॉजिटिव ही रही है। तो अगर हम डेटा देखें तो 2012 के अकॉर्डिंग जब बिटकॉइन हैपनिंग हुई थी तो उसका प्राइस जो था उस टाइम बिटकॉइन का वो $12 के अराउंड था। और बिटकॉइन हैपनिंग के बाद 150 डेज के लेटर जो उसका प्राइस है वो $127 हो गया। यानी कि अब हम देख सकते हैं कि 10 टाइम्स जो है उसका बिटकॉइन का प्राइस है जो इंक्रीज हुआ था। सो जब बिटकॉइन हैपनिंग हुई है तो काफ़ी बिटकॉइन पर जो है उसके प्राइस पर हाई हुआ है, पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो इस कारण ऑफकोर्स हम ये डेटा से एनालाइज कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जल्दी ही रिकवरी होने वाली है। उसी के साथ साथ जैसे हम जानते हैं बिटकॉइन हैपनिंग में क्या होता है कि जो उसकी बिटकॉइन है वो हाफ हो जाती है। यानी कि जब हमें ये पता है कि बिटकॉइन के ऊपर एक मार्केट कैप है बट हर हैपनिंग के बाद जो है वो हाफ हो जाती है। जैसे कि अगर हम रिवॉर्ड्स की बात कर लें, एग्जांपल ले लेते हैं, बिटकॉइन रिवॉर्ड जो माइनर्स को मिलता है वो 6 समथिंग बिटकॉइन जो है पहले मिलते थे, अब उससे उनको 3.125 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे माइनर्स को, तो वो हाफ हो गया। तो इसी तरह से एवरी 4 ईयर होते हैं। अब जो डिमांड है बिटकॉइन की वो तो कम नहीं हो रही है। हम जैसे जानते हैं बहुत सारी नियॉन कंपनीज हैं जो बिटकॉइन होल्ड करती हैं और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको बिटकॉइन व्हेल्स बोलते हैं वो भी होल्ड करते हैं। तो जो डिमांड है बिटकॉइन की वो तो कम नहीं हो रही है पर हमारे जो बिटकॉइन माइनिंग है वो ज़रूर कम हो जाएगी तो हैपनिंग के बाद। तो स्कार्सिटी जो आ रही है उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू में डेफिनेटली जो है राइज अप आएगा यानी कि इंक्रीज होगी। अब अगर बिटकॉइन इंक्रीज होगा उसका मार्केट वैल्यू, उसका प्राइस इंक्रीज होगा। जैसा हम जानते हैं बिटकॉइन जो है एक पूरी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट का हम उसको एक इंडिकेटर मानते हैं, एक इंडेक्सिंग डोमिनेटिंग हमारी जो है बिटकॉइन है। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो पूरी क्रिप्टो मार्केट पर इफेक्ट डालेगी और डेफिनेटली जो है पूरी की पूरी मार्केट जो है रिकवर होगी। और उसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि बिटकॉइन जो है वो अब तक की हमेशा अपनी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है और उसके ऊपर ही इंक्रीज करती है। तो ऑफ कोर्स इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो रिकवरी इंडिकेटर है वो लेटर 2023 में भी रिकवरी जो है स्टार्ट हो सकती है। बट दैट इज श्योर कि अगर बिटकॉइन हैपनिंग होने वाली है और उससे पहले जैसे हम ये भी जानते हैं डेटा के अकॉर्डिंग जब भी बिटकॉइन हैपनिंग होती है तो उससे पहले जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं यानी कि जिनको हम बिटकॉइन व्हेल्स बोलते हैं वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि 1,000 to 10,000 तक बिटकॉइन जो है वो इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं तो इस टाइम वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो इससे ऑफ कोर्स जो है हमारी क्रिप्टो मार्केट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, वो रिकवर करेगी। सो इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग तो है कि हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है वो रिकवर करनी ही चाहिए 2023 में। अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये सब हम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो अब तक डेटा है, अब तक हमेशा तक भी हम मार्केट रही है उसके बाद कैसे जो है रेवोल्यूशन आता है हमेशा क्रिप्टो मार्केट में उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू हम इन्वेस्टर्स या फिर डेटा के अकॉर्डिंग बोले तो ये सब फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। तो बिटकॉइन जो है हमारी अगर उसके मार्केट प्राइस में चेंज और हाई पाती है, हाई होता है वो, सो डेफिनेटली जो क्रिप्टो है उसमें भी रिकवरी होगी ही होगी। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें फिनस्ट्रीट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।